प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, क्रमशः हम लोग विंशोत्तरी महादशाओं पर चर्चा कर रहे हैं, यानी सूर्य की महादशा आपके लिए कैसे रहेगी, कैसे हम इसको देखें। आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु तक की जो वीडियोज़ हैं वो सभी आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, आप क्रमशः वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी एपिसोड में, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शनि की महादशा को लेकर। लेकिन मैं चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस और साथ साथ अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम ज्ञानवर्धक चर्चाएँ, मुहूर्त आदि की संपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। हम शनि ग्रह को लेकर के जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण सामने देखने को मिलता है। शनि का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, लेकिन आखिर क्यों? शनि क्या इतने खतरनाक ग्रह हैं कि आपको उनसे भय खाने की आवश्यकता है? आइए हम ऐसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, शनि की महादशा कैसे रहेगी। लेकिन इससे पहले हम शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। शनि ग्रह छाया और सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य परम प्रतापी, परम ज्ञानी, परम तेजस्वी और नियमित रूप से हर किसी को परिश्रम और प्रकाशमान दिव्यमान होने का उपदेश देते हुए नियमित रूप से उदित होते हैं और सायंकालीन अस्त होते हैं। उन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र हैं शनि। शनि को जो जिम्मा दिया गया है वो न्याय का दिया गया है, यानी शनिदेव न्यायप्रिय हैं और न्याय देने के लिए जो है शनिदेव बाध्य हैं। दर्शकों, शनि भगवान या शनि ग्रह आप जो भी उनको कहें, लेकिन जब उनकी दशा चलती है, महादशा हो, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, माने कई प्रकार की दशाएं, काल दशा, प्राण दशा, तो ऐसे में सूक्ष्म प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं महादशा दशा की बात करूँगा, लेकिन शनि की स्थिति सबसे पहले कुंडली में देखना होगा, उसी के अनुसार हमें ये दशाएँ शुभाशुभ फल देंगी। यदि शनि जो है, यहाँ पर मैं पाराशरी सूत्र के आधार पर आपको आज बताने जा रहा हूँ। बलवान शनि यदि आपकी कुंडली में है, इनको बलाबल के साथ ये बैठे हुए हैं, ये स्थिति हम कैसे देखेंगे? आप अपनी कुंडली अभी निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं अपनी कुंडली में या अपनों की कुंडली में। सोचे परम क्षेत्रे, सोचे स्वक्षेत्रज्ञ परम उच्चे मित्र क्षेत्रे वापी, मूल त्रिकोणे भाग्ये वा तुंगस संगे स्व अंगे अपि वा। अभिप्राय क्या मतलब हुआ? यदि शनि स्वक्षेत्र में बैठे हों, यानी अपने क्षेत्र में बैठे हों, स्वगृही अपने घर के होकर के बैठे हों और उच्च राशि के बैठे हों, या तो स्वगृही होकर के बैठे हों या उच्च राशि के होकर के बैठे हों, या अपने मूल त्रिकोण आदि राशि में बैठे हों, या इनके संयुक्त होकर केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण आदि में जाकर बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टि के साथ बैठे, तो यहां पर शनिदेव आपको शुभ फल देने वाले हैं। जब भी शनि की महादशा आएगी या विंशोत्तरी दशा महादशा आएगी या फिर अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर आएगा, तो उसमें शुभ फल देंगे। और शनि के शुभ फल होने पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शनि का जो आधिपत्य है वो कहां कहां रहता है। जितना भी टेक्निकल फील्ड है वहां शनि का होल्ड है, जितना भी मैकेनिकल क्षेत्र है वहां पर शनि का होल्ड होता है। पेट्रोलियम में आप देखें तो वहां शनि का क्षेत्र है, राजनीति में आप देखें वहां पर शनि का क्षेत्र है, जितने भी जुडिशियल हैं जहां पर जो है आप ये समझ लें कि वकालत जो लोग करते हैं, यानी जो वकील है, एडवोकेट हैं, उनके क्षेत्र में जज हैं, यानी न्यायिक जो प्रक्रिया है, प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, ये सब कहीं ना कहीं शनि के अंतर्गत उनको रिप्रेजेंट शनि करते हैं। बड़ा अहम रोल है। ऐसी स्थिति में यदि शनि शुभ हैं तो इनसे संबंधित सुख और आपको जो है इनकी दशा में प्राप्त होगा। आप कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, लंबे समय से आप कार्यरत हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी के प्रतिष्ठान में कर रहे हैं, तो वहां से आपका प्रमोशन हो सकता है। आप स्वयं उसके मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, आप उसे स्वयं संचालित करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी। आप कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, पेट्रोलियम में उछाल आ सकता है, कोई भी आपका इनसे संबंधित काम होगा तो उसमें आपको नियमित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। राजनीतिक भविष्य की बात की जाए, राजनीतिक करियर की बात की जाए, तो यहां पर शनि आपको राजनीति में भी जो है आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं तो भी आपको यहां पर शुभ और सुखद फल मिलेंगे। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम बात करें, कहीं ना कहीं इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और है, ये सब फील्ड तो इसमें आते ही हैं, लेकिन हम कीर्ति की बात करें, वैभव तो ये सब होगा तो स्वाभाविक है, अतुलनीय वैभव की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि शश महायोग बनता है, शश योग को लेकर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि उच्च का या स्वग्रही शनि आकर के कहीं केंद्र में बैठ जाते हैं, तो ये शश नामक पंच महापुरुष योग जो होते हैं ऐसे शुभ योगों में इसकी गणना होती है, शश महायोग इसे कहते हैं। और ये निश्चित रूप से इन सब चीजों को अतुलनीय रूप से प्रदान करता है। तो आज हम इसमें जो इसके शुभ फल हैं, इसमें एक और यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, सत्कीर्ति धन लाभस्य विद्यावाद विनोद कृत, यानी शनि की महादशा रहेगी तो विद्या, जो विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, उच्च शिक्षा की जहाँ तक बात आती है, वैसे बृहस्पति का ये क्षेत्र है, शुक्र यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन शनि भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में आपको बढ़ावा देते हैं। आप कहीं ना कहीं जो हैं उच्च शिक्षा में आप लोग जो हैं कहीं आप प्रवेश कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पर ऑलरेडी शिक्षा ले रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी सफलताओं का योग बनता है। अगर हम बात करें विद्या के साथ साथ में यहाँ पर विनोदकृत शब्द लिखा हुआ है, ऐसे में हास्य परिहास का माहौल आपको मिल सकता है। आप स्वयं भी विनोद करने में यानी हंसी मजाक करने में आप भी रुचि और दिलचस्पी रखेंगे, यानी सुखद एक अनुकूल माहौल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसी के प्रतिकूल यहाँ पर अगर शनि होते हैं, षडाष्टके मंदे नीचे वा अस्तिवदेवा, यदि 6-8-12 में बैठ जाएं, अस्त होकर बैठ जाएं या नीच होकर के बैठ जाएं, तो यहाँ पर प्रतिकूल अवस्था होती है। और इसकी प्रतिकूल अवस्था का सीधा सा फल लिखा हुआ है, विष शास्त्रादि पीड़ा च स्थानम भ्रंश महद्भयम। विष और शस्त्र, शस्त्र अस्त्र के पीड़ा भय का कहीं ना कहीं वातावरण रहेगा, विष अग्नि का कहीं ना कहीं भय रहेगा और स्थान भ्रष्ट होने का यहाँ पर पूर्ण जो है इसका योग बनेगा। अनेक प्रकार के भय आपको सताएंगे, स्त्री पुत्र आदि का जो भय है, पीड़ा है, वह आपको सताएंगे। पितृ मातृ वियोगम च पुत्रदारा पीड़नम, यानी कहीं ना कहीं माता पिता का भी यहाँ पर जो है आपको वियोग झेलना पड़ सकता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं विरुद्ध, जो नियम के विरुद्ध है, ऐसा आचरण व्यक्ति करने लगेगा। अपमान की जो है स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती हैं और यहाँ तक कि कारावास भी हो सकता है। ये शनि का अशुभ फल है। यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय जैसे मैं सभी ग्रहों का यहाँ पर जो भी उपाय जो है मैं आपको खासकर बताता हूँ। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि वैदिक शांति शनि की यह यहाँ पर श्रेष्ठ उपाय है। वैदिक पूजा, कई लोग छोटे छोटे ऐसे टोने टोटके में विश्वास रहते हैं। कारण क्या है कि कुछ ऐसे लोगों का एक ऐसा माहौल एक तैयार कर दिया गया है कि हम उस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर चर्चा करूँगा। लेकिन वैदिक संपन्न पूजा यहाँ पर आपको लाभ दे सकती है। कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप खुद कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, पीपल को आप जो है जल सिंचन कर सकते हैं, सायकालीन आप वहाँ पर दीपक जला सकते हैं, शनि को तेल अर्पित कर सकते हैं, काला कपड़ा, उड़द की दाल, लोहा, ये आप जो है काला वस्त्र, ये आप किसी योग्य व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता हो ऐसे को आप दे सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। वो छोटा सा मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसको आप जप सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनये नमः, इसको आप जप सकते हैं। और ख़ास बात, आप सूर्यादि नवग्रह का पूरा एक स्तोत्र है, उस पर भी वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी देखें, उसको स्तोत्र को आप जपें, यह आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। दर्शकों, ये थी आज शनि से संबंधित विशेष महादशा का फल और उसके उपाय सहित। आप सभी दर्शक बने रहें, अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।